बॉलीवुड की मौजूदा समय की टॉप एक्ट्रेसेस के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें दीपिका पादुकोण का नाम जरूर शामिल होगा। रामलीला, पद्मावत, ये जवानी है दीवानी, बाजीराव मस्तानी और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली दीपिका पादुकोण हिंदी सिनेमा की सबसे दमदार एक्ट्रेस मानी जाती हैं। दीपिका पादुकोण वर्तमान समय में बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं। केवल फिल्मों से ही नहीं, दीपिका ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन और कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के जरिए भी मोटी कमाई करती हैं। आइए जानते हैं दीपिका पादुकोण कितने करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण को फिल्मों से होने वाली कमाई की। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली अभिनेत्रियों में शामिल हैं। वे एक मूवी के लिए 15 से 30 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। उनकी औसतन महीने की कमाई करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी दीपिका के लगभग 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वे अपनी तस्वीरों के जरिए इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तगड़ी कमाई करती हैं। इंस्टा पर किसी ब्रांड को एंडोर्स करने या अपनी एक पोस्ट के लिए वे करीब 1.5 करोड़ रुपए वसूलती हैं। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की फिलहाल कुल नेटवर्थ करीब 60 मिलियन डॉलर यानी 497 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दीपिका ने साल 2006 में एक कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से फिल्मी सफर शुरू किया था और बॉलीवुड में शाहरुख के साथ ओम शांति ओम में सैंडी का किरदार निभाकर जोरदार एंट्री ली थी। दीपिका की पहली ही फिल्म जबरदस्त हिट रही और उनकी गिनती टॉप अभिनेत्रियों में की जाने लगी। इसके बाद दीपिका ने बॉलीवुड में बाजीराव मस्तानी, चेन्नई एक्सप्रेस, रामलीला, पद्मावत, ये जवानी है दीवानी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड में अपनी अदाकारी को जौहर दिखाया है। दीपिका ने रिटर्न ऑफ जैंडर केज अमेरिकन में विन डीजल के साथ काम किया है। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस से 2 बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं। इनमें पहली का नाम छपाक और दूसरी का नाम 83 फीट। हालांकि दूसरी फिल्मों की तरह ये दोनों ही फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।